इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। इस समय मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा विगत 5 फरवरी से समूचे मध्य प्रदेश में विकास यात्रा का आगाज किया गया है, जिसमें सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ तमाम सरकारी अमला पूरे लाव लश्कर के साथ तत्पर दिखा। लेकिन आज के विकास यात्रा से साफ प्रतीत हुआ कि ना तो प्रशासनिक अधिकारियों को ना ही नेताओं को जन समस्याओं से कोई सरोकार है। तभी तो शहर के बीचों बीच स्थिति बस स्टैंड में ही तमाम दिहाड़ी कमाने वाले ठेले टपरी वालों को हटाकर अपने खोखले विकास के पुलिंदा खोलने हेतु मंच तैयार कर दिया गया। कार्यक्रम में इतनी भारी मात्रा में अव्यवस्था फैली कि पालक मंत्री के आगमन से चंद मिनट पहले सड़कों में जाम की स्थिति निर्मित हो गई। कई घंटे तो आपात सेवा दे रहे एम्बुलेंस भी उक्त अव्यवस्था का दंश झेलते सड़कों पर खड़ी रही। वहीं नेता मन से सरकार के वर्षों पुरानी योजनाओं से जनता का ध्यान आकर्षित करने का असफल प्रयास करते दिखे। बहरहाल जो भी हो, लेकिन हर परिस्थिति में इन नेताओं के कृत्यों का खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि चुनावी वर्ष होने के कारण अब राजनीतिक दलों को जनता की याद आ गई। तभी तो कांग्रेस पार्टी भी विकास यात्रा के तर्ज पर समूचे प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम संचालित कर रही। जबकि कोविड महामारी के दौरान गरीब पैदल चलकर मर रहा था, तब इन राजनेताओं को जनता याद नहीं आए। इस विषय को लेकर आज हमारे संभागीय ब्यूरो चीफ बीके तिवारी ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से प्रतिक्रिया ली एवं उनसे कड़वा सवाल जवाब भी किया। देखिए इंडियन टीवी न्यूज की खास खबर। इंडियन टीवी न्यूज से शहडोल से ब्यूरो चीफ बीके तिवारी की रिपोर्ट। के मतलब है नेता दो तरफा चाल चल रहे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकाव है और उधर कांग्रेस की भी बने हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो स्पष्ट है आज की, तो नहीं है नहीं, आज का जो कार्यक्रम हुआ वहाँ पर स्पष्ट दिखा कि कांग्रेस के आपके ब्लॉक अध्यक्ष भी मौजूद थे। और जब प्रभारी मंत्री जी अपनी सरकार की जो है तो कामयाबी की वानगी भर रहे थे, उस दौरान वो तालियां बजाते दिख रहे थे। नहीं, मेरे संज्ञान में तो ऐसी कोई बात, तो मेरे संज्ञान में तो मानिए, उसको बोलिए तो उस विषय में क्या बोलेंगे। क्या ऐसे ऐसे नेताओं के, आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, तो उनको ऐसा क्या नसीहत देंगे? नहीं, उनको अपन क्या क्या चर्चा करेंगे? क्या ऐसे नेताओं के दम पर आप 2024 का रण जीत पाएंगे 2023 का? देखिए है क्या, अगर ऐसे नेताओं के विषय में हम ये कहना चाहेंगे, हम उनसे संपर्क करेंगे, क्या ऐसा कुछ हुआ है? क्योंकि मैंने देखा नहीं है, मेरे संज्ञान में कोई ऐसी नहीं, तो आप तो अभी हम जो दिखाएंगे मीडिया में उसी को तो मानेंगे आप? नहीं नहीं, हम तो विजुअल लेके बात कर रहे हैं आपसे। मैं नकारी नहीं रहा हूँ आप। और फिर दूसरी बात, यहाँ पर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, सरकार की नाकामी है, उसमें कांग्रेस पार्टी कहाँ पर सड़क पे या की मंची कार्यक्रम में मौजूद है, बताइए तिवारी जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूँगा कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, वे जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चला रही है, आदरणीय हमारे शीर्ष नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो अभी पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक के पद यात्रा की, राहुल गांधी जी का जो राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा था, उसके विषय में बयान आया है कि जब भारत टूटा ही नहीं तो जोड़ किसको रहे राहुल गांधी जी? ऐसा कुछ नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे आदरणीय राहुल जी ने चलाए, उसका मेन उद्देश्य है भारत जोड़ो यात्रा से कि हम जाति धर्म को हटा के हाँ, और हम मतलब पूरे भारतवासी हम एक हैं। हाँ, तो इस विषय में एक मिनट सुनिए, इसी विषय में जाति धर्म राहुल गांधी जी हटाना चाहते हैं। इस विषय में 2018 में भाजपा के वरिष्ठ सांसद हुकुमदेव नारायण सिंह ने बोला था पार्लियामेंट में कि अगर सारे राजनीतिक पार्टी एक हो तो हम एक काम करते हैं, एक करते हैं कि सारे जाति धर्म हटा देते हैं और वहां पर एक जाति बनाते हैं भारतीयता। और जातीयता कब हटेगी, धर्म कब हटेगा? जब अंतर जाति विवाह संभव होगा, अंतर जाति विवाह सरकारी नौकरी में अनिवार्य कर दो, तो न रहेगी जाति प्रथा और न रहेगा आरक्षण। तो फिर राहुल गांधी कहाँ थे उस समय? ये देखिए, ये तो व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। देखिए, जातीयता पे अपन नहीं जा रहे हैं। हमारे साथ अभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश मिश्रा जी हैं एवं वर्तमान जनपद सदस्य और स्वास्थ्य समिति के जो हैं तो ये सभापति हैं। आज हम राजेश मिश्रा जी से जानना चाहेंगे कि आज का ये जो भारतीय जनता पार्टी का विकास यात्रा था, तो इस विषय में कांग्रेस पार्टी का क्या मत है और आपका क्या मत है?
कांग्रेस पार्टी का मत तो हमारे पार्टी के मुखिया ने पहले ही रख दिया था माननीय कमलनाथ जी ने। क्या मत रखा था? प्रदेश में विकास यात्रा क्या है, ये सिर्फ लोगों को भरमाने की एक यात्रा है, सरकारी पैसों की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है इस विकास यात्रा में। और जनता के करदाताओं के पैसों से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, सिर्फ विकास यात्रा का सीधा लबोलुआब यही है। जनता को इससे कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी कौन सी यात्रा निकाली है? कांग्रेस पार्टी बहुत सारी अभी 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 कौन सी यात्रा निकल रही है? अभी सबसे बड़ा एक कांग्रेस का महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है जो हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ मतलब आप मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो है हाथ छूट गया था बीच में? नहीं, बिल्कुल हाथ नहीं टूटा। देखिए, नहीं तो फिर कैसे जोड़ना हुआ? बता रहा हूँ आपको, जो अभी आपने देखा पूरे देश में एक माहौल था नफरत का, घृणा का, हिंसा का, ये सब के लिए, इन सब से निजात के लिए, सब लोगों को एकजुट करने के लिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने 3700 किलोमीटर की पदयात्रा। तो वो 3700 किलोमीटर में जो नफरत का था, तो उसमें भारत जोड़ो कहाँ से आ गया? नफरत था तो भारत टूटा तो नहीं था? अरे भारत टूटने की कगार पर ही था, नफरत काहे का था? धर्म के आधार पर नफरत, भारत टूटने को ये अलग देश बन गया क्या? नहीं नहीं, अलग देश कैसे बनेगा? तो भाई जोड़ने चले थे ना आपके वरिष्ठ नेता? बिल्कुल जोड़ने चले, जो नफरत कहाँ टूटा यही तो पूछ रहे हैं। ये आपस में जो वैमनस्यता थी भाई हो गई थी, वो टूटना नहीं तो क्या है? क्या देश अलग बन जाए? सद्भाव, वो भाजपा में हिम्मत नहीं है? नहीं वो ठीक है, वो जो आप कांग्रेस में हिम्मत थी, इंदिरा जी में हिम्मत थी, जिसने पाकिस्तान जी को आपसी सौहार्द आप बनाइए, लेकिन इस जो स्लोगन दिए आपके वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के कि हम भारत जोड़ो यात्रा हमारी चल रही है, 3700 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्होंने किया, ठीक है, तो भारत कहाँ से टूटा? भारत को, भारत जो टूट रहा था, जो टूट रहा था, सुनिए सुनिए, हाँ, जो घृणा, जो नफरत, तो अब जुड़ गया, अब जुड़ गया, कुछ जुड़ना, जोड़ने की एक कोशिश हो रही है? नहीं, अभी नहीं, यात्रा भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया, तो क्या आप मानते हैं भारत जुड़ गया? नहीं नहीं, सिर्फ इससे नहीं, अभी नहीं जुड़ा है। नहीं, इसमें आम लोगों की सहभागिता दिखी उस यात्रा में और लोग जुड़े, सहभागिता बिल्कुल, विभिन्न विचारधाराओं के लोग जुड़े, विभिन्न जो है समाज सेवा में जुड़े लोग जुड़े, और एक नफरत का जो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज़ और मेरे साथ अभी मौजूद हैं कांग्रेस सेवा दल जिला शहडोल के पूर्व जिला अध्यक्ष सूरज प्यासी जी, वर्तमान उमरिया जिले के कांग्रेस सेवा दल के प्रभारी। आज उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो यहाँ पर विकास यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, उस संदर्भ में कांग्रेस पार्टी का क्या मत है? अष्टभाग तो तिवारी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये विकास यात्रा है ही नहीं, ये विनाश यात्रा मेरे को दिख रहा है और समझ में आ रहा है। किसकी विनाश यात्रा है ये? विनाश यात्रा ये बताइए, आज पब्लिक त्राहि त्राहि मची है, पब्लिक के पास, पब्लिक का किसी प्रकार से विकास नहीं हो रहा, तो किस बात का विकास यात्रा? अनावश्यक यहाँ झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, जुमले फेंके जा रहे हैं। जी जी, आज तक कोई ऐसा ठोस विकास कहीं दिख रहा हो इस समूचे क्षेत्र में तो आप बताइए। मेरे हिसाब से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फर्स्ट बात। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज स्कूलों की हालत जर्जर है। आप देख लीजिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत जर्जर है, ना तो वहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था, ना तो वहाँ कोई ऐसी मशीनरी है जिसके माध्यम से अच्छे से उपचार हो सके आम जनमानस का, जबकि ये इतना बड़ा आदिवासी बहुल क्षेत्र है अपना, और इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में बहुत से लोग यहाँ जो अपना दुख दर्द दूर करने के लिए यहाँ इलाज के लिए आते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है सरकार से, तो फिर किस बात की विकास? अच्छा, तो ये बताइए कि इस विषय को लेकर कांग्रेस पार्टी अभी तक कहाँ है? नहीं, कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है। जैसे भारतीय जनता पार्टी अपना विकास यात्रा आज 5 फरवरी से चालू की है, उसके बीच में कांग्रेस पार्टी क्यों मुख दर्शक बनी बैठी है? नहीं तिवारी जी, हमारी कांग्रेस जो पार्टी है वो अपना काम कर रही है। कहाँ पर कर रही है? हमारे ये जो हमारा कार्यक्रम, एक अभियान चल रहा है। अभी हमने देखा है कि ये विकास यात्रा के दौरान आपके ही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मंच के करीब बैठ करके और भाजपा के जो प्रभारी मंत्री हैं उनके वक्तव्य पर तालियां बजा रहे थे।
मेरे तो ऐसा कोई नहीं, मेरे पास वीडियो है ना, नहीं मैं वीडियो बनाया क्योंकि मैं इसको स्पष्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर रहा हूँ ना, तो उन नेताओं को आप अपने क्या कहना चाहेंगे? तो अगर ऐसा है तो गलत है। हालांकि मतलब क्या माने कि कांग्रेस पार्टी में अभी भी दो तरह के मतलब है नेता, दो तरफा चाल चल रहे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकाव है और उधर कांग्रेस के भी बने हुए हैं? नहीं ये तो स्पष्ट है आज तो नहीं। इंडियन टीवी न्यूज़, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज़ नेटवर्क।